घंटा प्रति 80-90 किलोमीटर बेगर प्रवाहित बतास और प्रबल वर्षा सहित डिसेंबर 5 तारीख पूर्वाह्न सामुद्रिक बात्या मिचंग आंध्र प्रदेश उपकूलवर्ती अंचल नेल्लर और मिछिलीपट्टनम मध्य स्थलभाग को प्रवेश कर भारतीय पानीपाग विभाग कही गभीर अवपात और बात्या प्रभाव में दक्षिण और पूर्व भारत केतेक अंचल में प्रबल वर्षा होवार संभावना अच्छी मध्य भारतीय पानीपाग विभाग सतर्क सूचना जारी करी पानीपाग विभाग जारी कर सतर्क सूचना अनुजाई डिसेंबर 4 तारीख दिन दक्षिण उपकूल और तत्संलग्न दक्षिण अभ्यंतर ओडिशार अधिकांश स्थान में हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा हेबो दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर उपरे सृष्ट अवपात गत 6 घंटा धरी घंटा प्रति 9 किलोमीटर बेगरे पश्चिम उत्तर पश्चिम आड़क गति कर शुक्रवार राति 11 सुधा पुडुचेरी पूर्व दक्षिण पूर्व 630 किलोमीटर चेन्नईर पूर्व दक्षिण पूर्व 630 किलोमीटर नेल्लोर दक्षिण पूर्व 740 किलोमीटर बापटोलार दक्षिण पूर्व 810 किलोमीटर और मिछिलीपट्टनम दक्षिण दक्षिण पूर्व को 800 किलोमीटर दूर से केन्द्रीभूत होता यह अवपात पश्चिम उत्तर पश्चिम प्रांत को गतिशील हो आगामी 12 घंटा मध्य गभीर अवपात में परिणत हो डिसेंबर 3 तारीख सुधा दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर उपर सामुद्रिक बात्या मिचंग पलटो भारतीय विज्ञान पानीपाग विभाग कही पूर्व अर्थात डिसेंबर 4 तारीख पूर्वाह्न सुधा गभीर अवपात दक्षिण आंध्रप्रदेश और तत्संलग्न उत्तर तमिलनाडुर उपकूलवर्ती अंचल बंगोपसागर अंचल में पहुंची यह सामुद्रिक बात्या मिचंग रूपे घंटा प्रति 100 किलोमीटर पवन झटका सहित 80-90 किलोमीटर पवन वेग सहित डिसेंबर 5 तारीख पूर्वाह्न आंध्रप्रदेश उपकूल अंचल नेल्लर और मिछिलीपट्टनम मध्य लैंडफल कर